News 18, India. देखिए कुछ चीजें हैं तथ्यात्मक दृष्टि से सही होनी चाहिए। गोवा का ये उदाहरण देते हैं, मैं इसमें चंडीगढ़ जोड़ लेता हूँ कि नंबर इनके दादा थे, मेयर आपका बन गया, उस पर मतलब ये कला लाते कहाँ से हैं, आते कहाँ से? उस पर अभी बता रहा हूँ, दोनों बातों का जवाब देता हूँ। देखिए सच और झूठ का अंतर क्या होता है जी? गोवा में जो कहते हैं हमने तोड़ लिया, ये बताइए झूठ का अंतर होता है 8 विधायक? हाँ नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। अरे अभी बता रहे हैं मान्यवर आपको। देखिए गोवा में कभी विपक्ष ने दावा ही नहीं किया। अरे भाई आप राज्यपाल के पास जाएंगे, कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं और आपको ना बुलाए तो है? मतलब ये तो वो हो गया कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं गया ही नहीं, मैंने आंसर शीट ही सबमिट नहीं किया, मैं कह रहा हूँ जी मुझे तो पूरा आता, मुझे पास कर देना चाहिए, ऐसा कहीं होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ कारण क्या था? पास हो जाते हैं टर्न पे, अपने अपने टर्न पे। वहां चक्कर क्या था कि कांग्रेस में मची हुई थी अंदर खींचातानी कि 4 विधायक किसके, 3 विधायक किसके, कौन सीएम बनेगा, समय ही निकलता चला गया। अरे उनके जो ऑब्जर्वर गए थे, खबर तो हमें पता अंदर, उनके जो ऑब्जर्वर गए थे वो सोते रह गए थे। अरे अब तो नितिन गडकरी पूरी रात जाग रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ये, और जो देखिए कहावत है ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही बात, सही बात है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, पर चंडीगढ़ की बात के ऊपर मुझे एक बात बड़ा जबरदस्त लगता है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मेयर के लिए उफ किस शिद्दत के साथ एक दूसरे के साथ आए हैं। ये वही पार्टियां जो एक दूसरे को बर्बाद करने की कस्में खाए हुए थे। और अभी भी मजेदार स्थिति क्या है सुनिए, पुराना छोड़ दीजिए, आज छत्तीसगढ़ में जाकर कहा है केजरीवाल जी ने कि भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट कोई सीएम नहीं। वाह। दिल्ली में कांग्रेस ने कहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को जेल होनी चाहिए। ठीक। पंजाब में वो कह रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार करी, और बीच में चंडीगढ़ में मिल रहे हैं एक दूसरे से हाथ मिला के। मेरी बात पहले ये तो जवाब दो भाई, ये मिले कैसे हो और किस लिए मिले हो, इसका जवाब पहले नैतिक जवाब दे दीजिए, फिर राजनीतिक जवाब मैं देता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेता आपस में मिल लिए, नीचे पार्षद मिले नहीं चंडीगढ़ के अंदर? क्योंकि भगवंत मान जी ने तो खुद ही कहा था कि एक टेक्निकल बात और कह दूं, अगर परमिशन। देखिए जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो टेक्निकल सिचुएशन ही है। हम लोग साथ कई बार ऐसा हुआ, मैं डेट के साथ बोल रहा हूँ, 22 अक्टूबर 1997 यूपी में हमारे पास मेजोरिटी थी, हमारी असेंबली वो कर दी गई, हम दिल्ली आए राष्ट्रपति भवन के बाहर, हमने पूरी परेड करा दी और सारे पेपर्स दिखा दिए, हमने कहा जी हमारा एकदम क्लियर है, और लास्ट में हमारे फेवर में डिसीजन हुआ। 22 फरवरी 1998 हम सीधे कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा तुरंत शक्ति परीक्षण कराइए, जीत गए। अब इनके सामने समस्या क्या है, वही जो गोवा में प्रॉब्लम थी कांग्रेस में, ये इनके लोगों को आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, क्योंकि इनका तो संस्थापक विश्वास भी अब इनसे दूर हो चुका है जी। आतिशी जी, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के नेता मिले लेकिन नीचे पार्षदों के दिल्ली मिले, इस वजह से ये हार हो गई? और दूसरा, करप्शन के ऊपर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ रहा है, क्योंकि 5 से ज्यादा नोटिसेज ईडी के अरविंद केजरीवाल को आ चुके हैं और वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं, कब पेश होंगे ये तो देश भी जानना चाहेगा। तीन अलग अलग मुद्दे हैं, तीनों पे जवाब दूंगी। सबसे पहले तो जी सुधांशु जी ने, आपने जो मुझसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कौन तोड़ रहा है, उसका जवाब सुधांशु जी ने दे दिया कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो कौन विधायक खो रहा है, कौन विधायक पा रहा है, इसका जवाब तो इन्होंने खुलेआम दे दिया। पर आप लोग सो तो नहीं रहे हो। इन्होंने डिनाय तो नहीं किया कि ये विधायक तोड़ते हैं और हर राज्य में तोड़ते हैं। तो गोवा में इन्होंने ये भी नहीं कहा गलत है, ये कहा वो तो पहुंचे ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उन्होंने तो कहा कि जी मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, तो बीजेपी ने कहा कि चलो हम चीटिंग करके पास हो जाते हैं। ये देखिए देखिए सुधांशु जी बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ये तक नहीं कह रहे हैं कि विधायकों को तोड़ना गलत है। आज यहाँ पे आके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को, और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। नंबर दो, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन। वैसे उससे पहले अगर आप एक साल पहले देखिए तो दिल्ली मेयर इलेक्शन में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। मेयर आपका है दिल्ली में। हाँ, लेकिन मेयर के इलेक्शन को करवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, क्योंकि वहां पर भी चीटिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कानून के खिलाफ जाकर अपने एलजी साहब से 10 नॉमिनेटेड काउंसलरों को लेके आती है,
जो उन्हें चुनी हुई, जो काम चुनी हुई सरकार को करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे कानून के खिलाफ जाके एमसीडी एक्ट ये कहता है कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर होंगे वो मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इनका प्रोटेम मेयर वहां पे खड़े होके कह देती है नहीं नहीं ये नॉमिनेटेड काउंसलर भी वोट डालेंगे, तो इनको कानून तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में भी तोड़ा, अब चंडीगढ़ में बेचारों के साथ क्या हो गया? जी जी जी, शायद इनके किसी नेता को जिम्मेदारी दी गई थी ऐसा हमने सुना है। अब देखिए मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती, ऐसा उड़ती उड़ती बात आई है हमारे पास। आप उड़ती उड़ती बात करें, ट्विटर पे आपने एक प्रमाणिक बात लिखी है, आपने बोला मैं बहुत बड़ा खुलासा करूंगी। वो मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे ईडी पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करूंगी कल सुबह 10 बजे। लेकिन ऐसा सुना हमने, किसी ने बताया कि इनकी किसी एक नेता को जिम्मेदारी मिली थी कि जब सारे वोट मिल जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो लाइव जो स्ट्रीमिंग चल रही है ना उसको ऑफ कर देना। वो शायद ऑफ करना भूल गए, तो पूरे देश ने देख लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद वोटों पे कुछ कुछ लिख रहे हैं और उनको गलत करार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर हमारे एक पार्षद ने कहा भी था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा था कि आप नीला पेन मत इस्तेमाल करो क्योंकि नीले पेन से हम लोगों ने लिखा हुआ है, अगर आपको कुछ लिखना है आप हरे पेन या लाल पेन से लिखिए। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्हें वोट्स को डिस्क्वालीफाई करना था और झूठे तरीके से इनकी सरकार। आप कह रहे हैं बीजेपी ने नीला पेन यूज करके आपको मतलब आपकी गठबंधन को नीला पीला कर दिया गुस्से में। आप देखिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट मैटर लिस्टेड है। एक तो बात देखिए बिल्कुल टेक्निकल बात है, इनको अंदर की बातें बड़ी पता रहती हैं, अपनी पार्टी के तो अंदर का पता नहीं रहता और बाहर का अंदर का सब पता रहता। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, ये बताइए ये स्विच ऑफ करना नेता काम होता है टेक्निकल स्टाफ का? कुछ भी कहानी गढ़ देते हैं। याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ रेड हुई थी तो उन्होंने कहा, सारे इनके प्रवक्ता आके कहते थे कि लॉकर में क्या मिला उनको, सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोई बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है क्या? जी। इसलिए और फिर कहते थे सीबीआई के मेरे अंदरूनी सूत्रों ने यह बताया है, ये सूत्रों ने बताया वगैरह वगैरह। मुझे लगता है कि वो एक बाल सुलभ उच्छृंखलता है उनके अंदर, उन्हें लगता है कि मैं नए तरीके से इस ढंग से बातें करके कर लूंगा, मगर मुझे लगता है जनता काफी परिपक्व है और धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा। इन्होंने एक और बात कही, ये बताइए 32 और 8 की बात कही, पहली बार 2013 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। किसको सबसे ज्यादा बहुमत मिला? भाजपा को। नैतिक अधिकार किसका था सरकार बनाने का? बीजेपी का। और आपने कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई और नैतिकता की बात कर रहे हैं? और मैं ये भी नहीं कहना चाहता, मतलब पर्सनल, वो तो कसम खाई थी कि हम शपथ नहीं लेंगे और लिखित में समर्थन मांगा था, लिख के कि हमें आपका समर्थन चाहिए। तो एक नहीं आने, और एक और मैं बात बता दूं, ये जब पार्टी आई थी तो एक होता था ना मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी दिखती है कहीं, अब टोपी जनता को पहना दी। आप सुनिए दिल्ली में कहते थे अल्जीरिया अप्रूव नहीं कर रहा है, प्योर स्टेट नहीं है, ये क्या हुआ भाई? पंजाब में कहीं लोकपाल नहीं आया? बाकी छोड़िए, इनकी अपनी पार्टी में एक लोकपाल था एडमिरल रामदास, ठेकाए दिए उनको। जी जवाब, अपनी पार्टी का लोकपाल खत्म कर दिया, बाहर की तो बात छोड़िए, वो मुझे चाहिए जन लोकपाल की टोपी भी हटा।